Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, plus 2 Agrawal High School, Belagans. Most welcome to you in Gaya Guidance programs. Furthermore, मैंने previous classes में आपको limit of function के बारे में पढ़ाया था. इससे पहले मेरा 4 video limit of function से related आए थे. आज मैं आप लोग के बीच कैलकुलस का ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको 11 से शुरुआत होगी और ये प्लस 2 तक आपको जाएगी. इसलिए आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए. आप इस वीडियो को देखकर समझिए एक कैलकुलस के लिए बुनियाद आप स्थापित कर सकते हैं और इसको ले जाकर आप 12 तक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. तो मैं आप लोग के बीच आज डिफरेंशियल कोफिशिएंट से फर्स्ट प्रिंसिपल लेकर आया हूं और उससे रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन में वैरी करता है. इसलिए मैं सबसे पहले बता दूं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या. द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट इज अप्लाइड टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन. सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमने लिमिट पढ़ा था उस लिमिट का एज ए एप्लीकेशन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे. और जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए लिमिट डालेंगे तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. यह मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है जिससे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं. आपको मैं बता दूं कि इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि पूरे कैलकुलस का फादर ऑफ कैलकुलस के सेंस में हम लोग सर आइजक न्यूटन और जी डब्ल्यू लेबनिज को जानते हैं जिन्होंने बहुत ही अपने समय इंपॉर्टेंट टाइम देकर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को डेवलप किए हैं और एक मैथमेटिक्स में एक नियम स्थापित किए हैं. तो बच्चों, बाय डिफरेंशियल कैलकुलस वी कैन एक्सप्रेस कॉन्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन टर्म ऑफ फॉर्मूला दैट इज वेलोसिटी पॉइंट एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट. आप जान लीजिए कि इस हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ते क्यों हैं, आखिर हमारे लिए कैलकुलस कहां इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है हमारे लिए फिजिक्स के हर एक पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. हम डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू बहुत सारे फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए वेलोसिटी. तो वेलोसिटी मींस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. कह रहा है कि जब दो कोई भी फंक्शन, एक यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट काम कर रहा है, एक टाइम कर रहा है, तो जब ये सर्टेन चेंज करता है, आप जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है, ये होता है क्या, एक्युमुलेट कर देना, उसको बढ़ा देना. मींस यहां पर हम लोग करते हैं रेट ऑफ चेंज. डिफरेंशिएशन मींस ही होता है रेट ऑफ चेंज. डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज. आप जान लीजिए कि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे रेट ऑफ चेंज पर आधारित होता है, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएक्स अपॉन डीटी कर सकते हैं, वेयर एक्स इज ए डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज ए डिस्टेंस. देन आफ्टर आप एक्सेलरेशन पे आएंगे तो यह हमारा फॉर्मूला बन जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. यह भी एज ए रेट चेंज आ रहा है. तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं ये a वैल्यू इक्वल टू होता है क्या, डीवी अपॉन डीटी. यहां क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज इन ए सर्टेन टाइम कर रहा है, इसलिए एक ही फॉर्मूला हमारा एज ए कैलकुलस डीवी अपॉन डीटी हो जाएगा और वेलोसिटी की फॉर्मूला हमारा एज ए कैलकुलस डीएक्स अपॉन डीटी हो जाएगा. आइए मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हमें क्या बताता है. व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएशन, सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो डिफरेंशिएशन टेल अस
टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग. डिफ्रेंशिएशन टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग. ये आप इसको एक लाइन में आप डेफिनेशन समझ सकते हैं, यानी सीधा समझिए दैट इज रेट ऑफ चेंज. कह रहा है कि जब कोई भी फंक्शन हमारा सर्टेन टाइम में वो चाहे बढ़े या घटे, तो समझ जाइए कि ये जो है डिफरेंशिएशन फॉर्म में चला जा रहा है. अब डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज दो तरह से होता है. हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो होता है दो तरह से होता है. एक होता है एवरेज टाइप का. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज, हैज टू ब्रांचेस, टू पार्ट्स. फर्स्ट होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस, लगातार. अब ये भी एवरेज रेट ऑफ चेंज भी होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी होता है. तो यहां पर समझना है कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये एज ए फिजिकल फिनोमिना होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होता है दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन फॉर्म में जानेंगे. वेयर समथिंग इज चेंजिंग, यहां क्या हो जाएगा, वेयर समथिंग इज चेंजिंग बट यू आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स. This is called changing with respect to something else. यहां with respect to something else में आ जाएगा. Means आप इसको हम ऐसे कर समझ सकते हैं कि change of first and change of second. This is called differentiation. यानी first का जो changing होता है with respect to second होता है. आप इसको algebraic form में देखिए, जैसे run rate. हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में हमेशा run rate changeable होता है. यहां हम लोग कैलकुलस एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन को रेट चेंज के सेंस में हम लोग कर सकते हैं कि रन रेट कैसे हमारा एज ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगा. जैसे जैसे हमारा ओवर लैप्स करेगा वैसे वैसे रन रेट आपका घटेगा, अदरवाइज बढ़ेगा. तो यहां पर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है. बहुत सारे इंटरेस्ट रेट और भी ऐसे हमारे बहुत सारे दैनिक लाइफ में जो फिनोमिना है जो रेट ऑफ चेंजिंग पर आधारित होता है, वहां हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशियल कैलकुलस को लागू करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. आइए इससे पहले कि अब हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन को और भी किस तरह से हम लोग अच्छे से समझ के उसको कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर सकते हैं, क्रिस्टली क्लियर करना हो तो और भी हम लोग अच्छे से है. ए डेरिवेटिव इज सिंपली मेजर रेट ऑफ चेंज. सिंपल समझ जाइए कि डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. इट कैन बी रेट ऑफ चेंज बाय डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और या अदरवाइज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर या अदरवाइज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. बहुत सारे आपका विथ रिस्पेक्ट टू हो सकता है. तो सपोज दैट कीजिए कि बाय एक कोई फंक्शन है एक्स, इसको हम जब चेंजिंग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मींस वाई इज ए फंक्शन विच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. अब इसका हमारा जनरल नोटेशन है, तो जब हम लोग इसको एवरेज फॉर्म में निकालेंगे तो द जनरल नोटेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी वाई, हमारा जो जनरल नोटेशन होता है रेट ऑफ चेंज का, उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं. और किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, तो एक्स के रेफरेंस में कर रहे हैं. इसलिए ये हमारा पूरा डिस्क्रिप्टिव एवरेज चेंज ऑफ रेट. आप ऐसे कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए
अपॉन एक्स माइनस ए, या ये हमारा जो होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया। सिंपली आप इसको लिख सकते हैं कि हमारा कैसे वैल्यू वैरी कर सकता है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ के माध्यम से इसको देखते हैं कि कैसे हमारा कोई भी चीज को हम लोग वैरी करते हैं। बच्चों यहां पर एक ग्राफ दिखाया जा रहा है, इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन है, एक वाई है, एक एक्सिस पे वाई रखे है, एक एक्स एक्सिस है, उस पे हम लोग एक कोई फंक्शन को ड्रा कर रहे हैं जो हमारा इस तरह से एक्युमुलेट कर रहा है। अब यहां पर देखिए कोई सर्टेन टाइम के अंदर में फिर मिनिमम पे जाता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, फिर मिनिमम पर आता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, और विथ रिस्पेक्ट टू अगर टाइम डालें या विथ रिस्पेक्ट टू कुछ डालें तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें एक डिस्टेंस मेजर होगी, यानी ये एक्स की बिंदु है और ये वाई की बिंदु है, दोनों अलग अलग जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये हमारा ग्राफ जो है एक दूसरे के एक ही पॉइंट को कॉन्साइडेड हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर कॉन्साइडेड हो जाएगा। तो समझिए कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, यानी कोई भी दो फंक्शन जब एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर देगा, एक ही बिंदु पर कॉन्साइडेड हो जाएगा, तो समझिए ये हमारा डिफरेंशिएशन है जो अलग अलग फंक्शन का डिराइव करता है। अब यहां पर देख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रेफर टू यूजिंग अलजबरा टू फाइंड ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द स्लोप ऑफ कर्व। हम लोग यहां पर जो था स्लोप ऑफ कर्व के माध्यम से दिखाया, जिसमें हमारा एक कर्व के रूप में गया और एक हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, दोनों के एक विथ रिस्पेक्ट टू जब गए तो एक पॉइंट पर हमारा कोलोरेशन हुआ। फर्स्ट फिगर में हम लोग देखा था कि दोनों का कोलोरेशन एक अलग अलग बिंदु पर था, तब तक ये हमारा डिफरेंशिएशन फॉर्म में नहीं था। जैसे ये दोनों एक बिंदु पर आकर कॉन्साइडेड हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तब हमारा यहां पर जो है आपका एक डिफरेंशिएशन वे में आ जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज द डेल्टा मेथड। आप देख लीजिए फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल को हम लोग डेल्टा मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसमें एक इंस्टेंटेनियस रेट चेंज करेंगे जिसमें डेल्टा चेंज हम लोग डालते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स कोई फंक्शन है, उसमें जब हम चेंजिंग करेंगे एज ए डेल्टा एक्स तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के सेंस में आएगा। तो यहां आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मीन्स यहां का डिफरेंशिएशन, अ लिमिट ऑफ एच टेंस टू एक्स, यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सी चेंजिंग इसमें एच कर रहे हैं तो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के सेंस में आ जाएगा, और यहां हमारा दिस एक्सप्रेशन इज द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन, एवरी रूल आइडेंटिटी एंड फैक्ट फॉलो फ्रॉम दिस रूल्स। अब आइए हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल को निकालने के लिए जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल को ड्राइव करेंगे और ड्राइव करके इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए आइए हम लोग सबसे पहले कोई भी फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन रहेगा उसको हम लोग एक्स द्वारा रिप्रेजेंट रहेगा, यानी फंक्शन ऑफ एक्स होगा जो अदरवाइज कुछ भी होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लेट वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी हमारा फंक्शन दिया रहेगा तो उसे पहले दो डायमेंशन फॉर्म में रखेंगे जिसमें वाई इज ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा शो करेगा। अब इसको जब वाई ऑफ फंक्शन इज ए यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट द्वारा डिनोट करेंगे। अब यहां पर जब चेंजिंग की बात आती है तब बाय डेल्टा मेथड, जब चेंजिंग की बात आती है तब बाय डेल्टा मेथड हम लोग यहां पर क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, लेट डेल्टा एक्स वी आर अ स्मॉल चेंज, डेल्टा एक्स वी आर स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द कोरोस्पॉन्डिंग
corresponding change to y. जब हम लोग इसमें x फंक्शन में डेल्टा x को चेंज करेंगे और y फंक्शन के लिए डेल्टा y में चेंज करेंगे, तब हमारा गिवन फंक्शन हो जाएगा y प्लस डेल्टा y. दिस सिंबल इज कॉल्ड डेल्टा. कहीं कहीं इस सिंबल को ट्रायंगल से भी डिनोट कर सकते हैं, तो ट्रायंगल इज ए बिग डेल्टा एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड अ स्मॉल डेल्टा. तो इसमें आप फ्री हैं, चाहो तो आप बिग डेल्टा का भी यूज कर सकते हैं या अदरवाइज स्मॉल डेल्टा का भी यूज करते हैं. हमारे लिए ज्यादा आसान होता है स्मॉल डेल्टा का, इसलिए ज्यादातर हम लोग मैनुअल फॉर्म में स्मॉल डेल्टा का ही प्रयोग करते हैं. तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x. यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x. और गिवन इक्वेशन को हम लोग समीकरण दो मान लेंगे. अब क्या करना है, फर्स्ट समीकरण को सेकंड समीकरण से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तब हम लोग क्या मिलेगा, आप ऐसे देख सकते हैं कि सेकंड में समीकरण फर्स्ट को माइनस करेंगे, यहां हो जाएगा इस साइड x प्लस डेल्टा x में फंक्शन ऑफ x माइनस हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा. दिस मींस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. अब यहां पर क्या करना है, जब हमको एज अ डिफरेंशिएशन करना है, सर्टेन चेंज करना है, तो इसमें दोनों तरफ हम लोग डेल्टा x से डिवाइड करेंगे. ऑन डिवाइडिंग डेल्टा x बोथ साइड, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तब क्या हमारा मिल जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x. अब यहां पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे. जब लिमिट अप्लाई करेंगे तब हमारा गिवन फंक्शन, अब यहां लिमिट x टेन डेल्टा x टेन टू जीरो के सेंस में जाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x. अब आपको बता दें कि लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को ही हम लोग dy by dx कहते हैं. इतना बड़ा हम लोग न लिख करके एज ए सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन में हम लोग इसको dy by dx के सेंस में भी लिख सकते हैं, तब हमारा गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब हमारा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मींस हो जाएगा dy by dx. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तब हम लोग जब इसको लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, हाँ डेल्टा y लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x. अब यहां पर क्या होगा कि n फाइनाइट यूनिक, यहां पर अब यह समझना है कि जैसे ही हमारा आ गया तो गिवन इक्वेशन जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल. और जब फर्स्ट प्रिंसिपल होगा तब यहां पर आप हम लोग को यह समझना है कि जो भी वैल्यू आवेगा एज ए फाइनाइट वैल्यू, आप याद करिए मेरा पिछले वीडियो जिसमें लिमिट फंक्शन होने के लिए तभी यह एग्जिस्ट करता था जब हमारा वैल्यू फाइनाइट होती थी. अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं होती थी, ऐसे यूनिक नंबर नहीं होता था, तब हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था. और वैसे सेंस में फिर हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेशन पर जाते थे और तब उसे अप्लाई करके सोल्व करते थे. तो यहां ध्यान रखना है कि जो भी हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन होगा वह एज एग्जिस्ट करेगा, मीन्स वह फाइनाइट वैल्यू की तरफ ले जाएगा. और जब फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा तभी हमारा गिवन एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट कहलाएगा. इसलिए यहां लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज कॉल्ड द डीसी.
इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, नहीं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डीसी। इसको शॉर्ट में हम लोग डीसी से डिनोट करेंगे। डीसी मींस हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट। उतनी बड़ी हम लोग ना लिख करके एज ए सिंबॉलिक हम लोग डीसी से लिखकर काम चला सकते हैं। एक चीज और, जब भी हम लोग डीसी लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, यहां पे कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं करना है, यहां पे स्मॉल डीसी का प्रयोग करना है। और इसको और भी आप अगर डीसी नहीं कह सकते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ वाई भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई। यहां पर ध्यान रखना है कि अब यहां पर देख लीजिए, जब आप प्लस टू में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट वहां पर केवल डीवाई बाई डीएक्स के सेंस में दिया जाएगा, लेकिन मैं यहां क्लियर कर देना चाह रहा हूं आपको कि डीवाई बाई डीएक्स का मींस क्या होता है। डीवाई बाई डीएक्स का मतलब ही होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब किसी के भी रिस्पेक्ट में जाएंगे तो वहां डीवाई बाई डीएक्स आ जाएगा। अगर मान ले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स रखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रखेंगे, तब हमारा क्या कल आ जाएगा, डी बाई डी टी हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, डी बाई अपॉन डी टी हो जाएगा। यहां भी होगा, यहां पर जो y फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। अगर और अदरवाइज कुछ और भी फंक्शन रखेंगे तो वो हमारा डेरिवेशन का लगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू y भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू यहां y लिख सकते हैं। और dc इज ऑल्सो, इसीलिए कहा जाता है कि इसी को हम लोग dc इज ऑल्सो डिनोटेड एज एज डी वाई अपॉन डी एक्स। और भी जान लीजिए, बहुत सारे बुक में डीसी ऑफ डीसी को अलग अलग तरीके से डिनोट किया जा सकता है, इसलिए घबराना नहीं है, इसमें सबका मीनिंग एक ही होता है। आप यहां पर एक समरी वेज में हम लोग अगर देख लीजिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ y मींस क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब हो गया dy अपॉन dx, इसका मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d f ऑफ x अपॉन dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं इसको आप f डैश x भी कर सकता है, f डैश ऑफ x, इसका मतलब होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन। कहीं कहीं इसको आप y डैश के सेंस में कर सकता है, कहीं कहीं इसको y वन के सेंस में भी कर सकता है। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन हर एंगल से पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब dy बाय dx भी लिख सकते हैं, d f ऑफ x अपॉन dx भी लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, या y1 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर y अगर 2 हो जाएगा तो डेरिवेशन ऑफ ये डबल डेरिवेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो उसकी मैं चर्चा प्लस 2 में करूंगा, आपका जब वीडियो आएगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि डेरिवेशन का और भी मीनिंग क्या हो सकता है। तो सिंपली हम लोग यहां पर देख लिया कि डेरिवेशन के कई फॉर्म है, उन सारी फॉर्मों को हम लोग को ध्यान रखना है और कौन सा फंक्शन हमारा कैसे एग्जिस्ट करता है। मेनली 11 के बच्चे के लिए डेरिवेशन में हम लोग को यहां डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना होता है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल को सोल्व करना होता है। यहां सोल्व करने का मैं कुछ आप लोग को टिप्स दे रहा हूं कि कैसे कैसे सावधानी रखना है, जिससे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ किसी गिवन फंक्शन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए मैं बारी बारी से उन सारे पॉइंट को, उन सारे रूल्स को पॉइंट आउट कर दूं और आपको उस पर फोकस कर दूं कि कैसे हम लोग कोई भी गिवन फंक्शन, अदरवाइज चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, या मिक्स फंक्शन हो, या रेशनल फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन को हम लोग डीसी एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको पॉइंट नोट कर रहा हूं, आप इसको
वीडियो को स्किप करके आसानी से ऐसे नोट्स के फॉर्म में देख सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा ये सारे कंटेंट वहां लोड है, आप वहां से भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ आपका वर्किंग नोट है जो आप इसको ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि लेट द फंक्शन हुज डीसी मींस डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज टू बी फाइंड। सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, वी इक्वल टू वाई। सबसे पहले क्या करना है कि जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है उस फंक्शन को y के सेंस में हम लोग मानेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू f ऑफ x और इसको समीकरण फर्स्ट मेंशन कर देना है। जैसे हम लोग इसको मेंशन करेंगे तो एज ए इक्वेशन वन हो जाएगा। फिर सेकंड रूल में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, देन पुट डेल्टा x is changing with x and delta y is changing with y as, जैसे होगा तो x plus delta x लिखा जाएगा और इधर y plus delta y के सेंस में करेंगे और गिवन इक्वेशन हमारा जैसे फर्स्ट में देख लीजिए डेट इज हो जाएगा कि y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x के सेंस में जाएगा और ये हमारा इक्वेशन टू कहला जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड वी गेट। क्या करना है बच्चों कि इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से माइनस करेंगे, तो ये ध्यान दीजिए कि y प्लस डेल्टा वाई में से वाई को माइनस करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइंड आउट हो जाएगा डेल्टा वाई। फिर इसी तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स माइनस करेंगे तो वो जस के तस रहे क्योंकि अलग फॉर्म में हो सकता है, अदरवाइज फिर इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो गिवन इक्वेशन जो हो जाएगा, अब हमारा यहां ऑन सब्ट्रैक्टिंग करके निकाल सकते हैं और वी गेट डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के सेंस में पाएंगे। अब यहां के बाद जैसे जब हम लोग यहां पर पहुंचेंगे तब हमारा जो फंक्शन है कई रूपों में मिल सकता है, अगर इनकेस अलजेब्रिक फंक्शन है या लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, कोई भी हो, तो सबसे पहले यहां जाके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तब तक जब तक डेल्टा एक्स के सेंस में ना आ जाए। जब डेल्टा इसको सिंप्लीफाई करेंगे एज ए डेल्टा फैक्टर के सेंस में और तब यह हमारा गिवन फंक्शन पर डायरेक्ट लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो अप्लाई करेंगे तो हमारा पूरे होल फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। अब यहां पर कुछ और समझ लीजिए कि अगर हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के लिए हम लोग उसमें पावर टू साइन थीटा दे सकते हैं या डेल्टा एक्स टू साइन थीटा दे सकते हैं, टेन थीटा दे सकते हैं या कॉस थीटा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो फैक्टर है वो साइन थीटा और टेन थीटा का सेंस में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइन थीटा और टेन थीटा में लिमिट में आप जाके देखिए तो लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू एक हुई थी और लिमिट थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू भी एक हुई थी, तब हमारा वहां वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। इसलिए अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा तो कोशिश करेंगे कि उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे या ब्रेक डाउन करेंगे कि वह साइन थीटा अदरवाइज टेन थीटा में ब्रेक डाउन हो जाए।
क्योंकि इस पर हम लोग और प्रॉब्लम आप लोग को बताएंगे, प्रॉब्लम पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको और भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और देख लीजिए, इन केस अगर इनवर्स के सेंस में अगर मिलता है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के रूप में मिलता है, तब हम लोग इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर गिवन फंक्शन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, बच्चों इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन का मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स, अदरवाइज टैन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे फंक्शन को ही हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहेंगे। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में प्लस टू में जाकर पढ़ेंगे, अदरवाइज हमारा गिवन फंक्शन इनवर्स के फॉर्म में रहेगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग सबसे पहले इसके इनवर्स को रिमूव करेंगे। तो कैसे रिमूव होगा, तो हम लोग यहां पर मानेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दिस चैप्टर x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा यहां पर ब्रेक डाउन हो गया, इनवर्स खत्म हो जाएगा, और जैसे इनवर्स खत्म होगा तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल्स है उसको अप्लाई करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर हमारा गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद अब यहां पर क्या करना है कि जब हमारा फाइनली शॉर्ट नोट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट कर जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसमें दोनों तरफ से डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे, और डेल्टा एक्स जब डिवाइड करेंगे तो गिवन फंक्शन में फिर हम लोग उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देते हैं, और लिमिट अप्लाई कर देने के बाद हमारा गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट हो जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए हमेशा ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है 5 मार्क्स में, ज्यादातर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि ये मेथड अप्लाई करके डिफरेंशिएशन का जितना भी फंक्शनेबल फॉर्मूला है सबका हम लोग ड्राइव कर सकते हैं या इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है टू फाइंड द डीसी ऑफ एक्स टू द रेज एक्स का पावर हॉल एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर बच्चों ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको ट्विस्ट भी कर सकता है, अगर x के पावर हॉल इन विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहां अगर t के पावर हॉल इन कर देगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। अगर कोई भी गिवन फंक्शन का जो पावर रहेगा अगर उनसे में हमारा डिफरेंशिएशन पूछेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू बेस लाइन पर आ जाएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, कहीं कहीं क्वेश्चन y टू द रेस पावर n कर करेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, अगर t के सेंस में करेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। अब हम लोग आइए कि ऐसे गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएशन को हम लोग फाइंड आउट करना है तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप चला था कि जो भी गिवन फंक्शन है जिसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई मानते हैं, तो लेट वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर हॉल इन, और जैसे ही वाई मान लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर देते हैं। क्लियर, जैसा कि अभी हम लोग वर्किंग रूल में पढ़ रहा था कि जो भी गिवन इक्वेशन रहेगा सबसे पहले उसको लेट करेंगे y इक्वल टू गिवन फंक्शन एंड इक्वेशन वन से डिनोटेड कर देंगे। इसी तरह से यहां भी किया, y माना और x के हॉल लेन का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो y इक्वल टू x का हॉल लेन एज इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखा था कि लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज, क्योंकि इंस्टेंटेनियस चेंज होती है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है रेट ऑफ चेंज होती है, तो मान लिया कि वैसे फंक्शन में एक छोटी सी चेंजिंग इंस्टेंटेनियस चेंजिंग होती है इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, तब क्या हो जाएगा इस गिवन फंक्शन में। अब हम लोग देख लीजिए, देन
y प्लस डेल्टा y हो जाएगा और यहां x का होल इन नहीं x प्लस डेल्टा x का होल इन हो जाएगा, x प्लस डेल्टा डेल्टा x का होल इन हो जाएगा और ऐसे इक्वेशन को हम लोग फौरन इक्वेशन टू मान लेंगे। अब स्टेप थ्री हम लोग को बताया था कि जब समीकरण फर्स्ट भी फाइंड आउट हो गया, सेकंड भी फाइंड आउट हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम लोग माइनस करेंगे। अब यहां पर देख लेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम सेकंड, तब क्या हो जाएगा y प्लस, सिंपली जान लीजिए कि इसमें से ये माइनस हो रहे थे, y y कैंसिल होते हैं, डेल्टा y बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो x प्लस डेल्टा x का होल इन हो जाएगा, माइनस x का होल इन हो जाएगा। अब यहां पर जैसी करेंगे तो हमने बताया था कि यहां पर जाने के बाद आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी आ सकता है, इनवर्स भी आ सकता है, लॉगरिथम भी आ सकता है। तो जैसा कि हमारे यहां क्वेश्चन है अल्जेब्रिक फॉर्म में है तो हमारा यहां अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये इसको तब तक हम इसमें अप्लाई डेल्टा एक्स नहीं करेंगे जब तक इसको सिंप्लीफाई करके हम एज ए शॉर्टलिस्ट नहीं कर लेते हैं। तो आइए हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से एक्स प्लस या वन प्लस एक्स का होल इन के बारे में आप लोग के प्रीवियस क्लास में भी दिया गया था, उस फॉर्मूला पर अगर गौर करें तो देखिए हमारा यहां पर कैसे चेंज हो सकता है। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर x का पावर होल इन हम लोग कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो x का होल इन 1 बच जाएगा है, डेल्टा x अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अरे होल इन बन जाएगा x इन। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे एज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जब ब्रेक डाउन करेंगे तब हम लोग का देखिए क्या हो जाएगा, एज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम लोग इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा एक्स इन वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन इन एन इन टू फैक्टोरियल वन और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और डॉट 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 माइनस एक्स का होल इन। फिर क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग देख लीजिए जब डेल्टा एक्स होल इन हो गया, अब कॉमन ले सकते हैं डेल्टा एक्स के पावर होल इन, यहां बन जाएगा वन प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन वन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डॉट 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 माइनस वन, तो वन से वन यहां प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे और एक्स के पावर होल इन पहले से था ही, तो ये बन जाएगा वन प्लस यहां एन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डॉट 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 ये बन जाएगा। अब यहां पर हम लोग ऊपर आते हैं, अब देख लीजिए एक्स के पावर होल इन के सेंस में जब हमारा ये आ गया तब ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से चला जाएगा एन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एक्स का होल इन वन प्लस समथिंग। उसके बाद आप क्या करेंगे दोनों तरफ, ये हमारा जो इक्वेशन आ गया अब यहां पर हम लोग दोनों तरफ एज ए डेल्टा एक्स के सेंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए डेल्टा एक्स एज ए कॉमन है तो इसको हम एलएच साइड ले आएंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और तब यहां पर जो बच रहा है सो देख लीजिए यहां पर बच रहा है एन इंटू एक्स का पावर होल इन अपॉन एक्स और ये वन प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डॉट डॉट डॉट। अब जब डेल्टा अपॉन बाय डेल्टा एक्स हो गया तब हमारा आगे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया और यहां हम लोग लिमिट डेल्टा टेंस टू एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा यहां पर देख लीजिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का होल एन एक्स लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और गिवन फंक्शन में हम लोग अप्लाई कर देंगे इन फैक्टोरियल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डॉट डॉट डॉट। जब हम लोग अप्लाई करेंगे, अब यहां पर देख लीजिए कि इसको हम लोग डीवाई बाई डी एस से डिनोट, डीएक्स से डिनोट करते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स कर देंगे, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा। और जब हम लोग डेल्टा एक्स सभी जगह अप्लाई करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीन्स ये हो गया वन प्लस जीरो प्लस जीरो डॉट डॉट डॉट। अब आ जाइए, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का रेस पावर एन माइनस वन और ये इंटू वन हो जाएगा। फाइनल वे में देख लीजिए कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का एन माइनस वन। अब यहां पर देखिए कि जब हमने इससे पहले का एक फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, जब हम लोग लॉपिटॉल्स रूल पढ़ा रहे थे तो आप लोग को दिया गया था कि एक्स के पावर हॉलिन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन होता है। और यहां बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी आप लोग को डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स का पावर हॉल एन माइनस वन हो जाएगा। डी वाई यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई मीन्स हो गया एक्स के पावर हॉल एन अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स एन माइनस वन। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ nth पावर ऑफ एक्स, nth पावर ऑफ एक्स को अगर कोई भी फॉर्म में रहेगा और उसको डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो इसकी फॉर्मूला n इंटू एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर x के स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो इसकी इस फॉर्मूला से सेटअप करेंगे तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस वन मीन्स 2x हो जाएगी। एक्स क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 3 इंटू एक्स का 3 माइनस वन मीन्स 3x स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों जब इसको आप प्रैक्टिकल वे में करिएगा, दो चार ऐसे करिएगा तो स्वतः ही याद हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर पूछ दे x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन डीवाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा, तो आप 10 इंटू एक्स के पावर 9। सिंपली क्या हुआ कि जितना पावर होगा उसको पहले लिखेंगे और x इंटू एक कम करके पावर उसको लिख दिया जाता है, तो 10 इंटू एक्स पावर 9 हो जाएगा। अगर 100 का रहेगा तो 100 इंटू एक्स पावर 99 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है और ये हमेशा आपका यूज होता है, इसलिए ऐसे फॉर्मूला को हम लोग हमेशा याद रखना है। अब आइए कुछ ट्रिगोमेट्री फंक्शन पर हम लोग चलते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे ट्रिगोमेट्री फंक्शन को भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और उससे हम लोग फॉर्मूला को फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन है टू फाइंड डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एकदम सिंपली अब एकदम फास्ट चल सकते हैं आप लोग, लेट y इक्वल टू सबसे पहले हम लोग sin x मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, फिर इसमें स्मॉलिंग चेंजिंग विथ y करेंगे तो डेल्टा y अपॉन y, यहां डेल्टा y प्लस y और यहां हो जाएगा sin x प्लस डेल्टा x, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो क्या मिलेगा डेल्टा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहां पर बच्चों जब साइन सी और माइनस साइन डी जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाँ यहां पर एक चीज और बताया था कि जैसे हम लोग इसमें करेंगे तो सबसे पहले इसको शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेंगे एज ए फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट, तो यहां हमारा साइन सी माइनस साइन डी पर है तो यहां फौरन हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्मूला आप ट्रिगो में पढ़िएगा कि साइन सी कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस प्लस एक्स अपॉन टू इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अपॉन टू, तो ये फॉर्मूला टू कॉस 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन डेल्टा x अपॉन 2 क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जब हम लोग
डेल्टा एक्स है भी नहीं, यहां भी डेल्टा एक्स नहीं है, तो इसको हम लोग लिमिट एज एफ डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली जब लिमिट अप्लाई करेंगे तब हमारा गिवन फंक्शन डेल्टा वाई सेंस में आएगा, तब हम लोग ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि जब तक डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नहीं करेंगे तब तक हमारा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लाने के लिए हम लोग डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इस तरफ हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू कर सकते हैं, क्योंकि टू से डिवाइड हो जाए तो सिर्फ एक्स बच जाएगा और डेल्टा एक्स अपॉन टू हो जाएगा, आइए साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू हो जाएगा। जैसे हमारा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होगा इन विथ रिस्पेक्ट टू जीरो जाएगा डेल्टा एक्स, क्योंकि हमारा जो गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारा लिमिट चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स अपॉन जीरो के सेंस में, तब यहां पर हमारा जैसे ही आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, इस तरह भी चला जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू। अब यहां पर एक नजर ध्यान देना है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को बताया गया था कि जब लिमिट टेंस टू जीरो होगा और साइन एक्स के सेंस में रहेगा, तो बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा था कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन। अब यहां हमारा गिवन फंक्शन से इस फंक्शन पे लिमिट टेंड टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे, तब यहां डेल्टा एक्स अपॉन टू है और यहां हमारा अपॉन डेल्टा एक्स भी था, अपॉन डेल्टा एक्स यहां छूटा है, डेल्टा एक्स भी था, तो ये डेल्टा एक्स हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, तब हमारा देख लीजिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन टू। अब यहां पर क्या हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स अपॉन टू अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन टू, जब टू से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब फर्दर मोर यहां पर जब देखिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अब यहां पर डेल्टा एक्स जहां जहां है हम लोग जीरो जब अप्लाई करेंगे तो कॉस की वैल्यू फाइनाइट की तरफ जा रहा है, तब हमारा डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो कॉस के सेंस में डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, और तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा देख लीजिए, कॉस एक्स प्लस जीरो हो जाएगा, और इसके सेंस में वैल्यू आपका लिमिट टेंस डेल्टा एक्स सेंस में रहेगा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगा इंटू वन। अब यहां पर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाइनल रूप में हमारा आ गया एक्स, मीन्स हो गया डी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो इस तरह से हम लोग देखा कि कोई भी गिवन फंक्शन को जब हम लोग एज ए ट्रिगोनोमेट्री जब अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारा कॉस एक्स के सेंस में आएगा, फिर फर्दर इसी तरह से अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमारा यहां माइनस साइन एक्स आ जाएगा। इसके भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन कोशिश को करेंगे तो साइन एक्स की तरफ जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या करना है, हमारा क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज करनी है, फाइंड द डीसी ऑफ साइन एक्स की जगह पर सिर्फ हम लोग कोशिश कर देंगे, कोशिश कर देंगे, सारा प्रोसेस सेम हो जाएगा, लेट वाई इक्वल टू हो जाएगा कोशिक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, फिर शॉर्ट चेंजिंग करेंगे तो डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई, तो यहां हो जाएगा कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, फिर हम लोग क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। अब यहां पर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डेल्टा वाई, यहां देख लीजिए कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर से इसको एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तब हमारा ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो आप फॉर्मूला जानते हैं
cos c माइनस cos d की फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। तब इस फॉर्मूला पर जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा x प्लस cos 2 साइन 2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन 2 इंटू साइन x, पहले x आ जाएगा माइनस x माइनस डेल्टा x अपॉन 2। यहां पर क्या होगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आइए 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, यहां हो जाएगा साइन माइनस डेल्टा x अपॉन 2। आप यहां पर देख लीजिए माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। जब यहां पर माइनस आ गया तो माइनस हम लोग सबसे पहले ले आएंगे 2 माइनस 2 साइन, यहां x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 कर सकते हैं और ये हो जाएगा साइन डेल्टा x अपॉन 2, यहां डेल्टा y हो गया। फिर उसी तरह से दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, जब इसको लिमिट फंक्शन में लाने के लिए डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इधर भी डिवाइड हो जाएगा x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा x अपॉन 2 बटा डेल्टा x। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, यहां हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x अपॉन 2 अपॉन डेल्टा x अपॉन 2 1 अपॉन 2। फिर उसी तरह से 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। अगर यहां साइन की वैल्यू के जगह पर डेल्टा x की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी हमारा साइन x की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे और यहां हमारा 1 की फॉर्मूला आ जाएगा। तब यहां आएगा साइन x, आगे माइनस है माइनस लगा जाएगा इंटू 1 इंटू 1। फाइनल वे में देख लीजिए कि साइन एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई का मतलब हम लोग कोस एक्स रखे थे तो डीवाई बाई डी एक्स कोस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दिस इज ए रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देन आफ्टर इस तरह से बहुत सारे आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, मैं बारी बारी से इसको बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं और भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और एज वेल एज इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन उसको मैं ड्राइव करके बताऊंगा, आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए। इससे पहले कि मैं आप लोग को कुछ होम असाइनमेंट दे रखा हूं, होम असाइनमेंट आप लोग देखिए और उसको सोल्व कीजिए। होम असाइनमेंट में आपको एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन निकालना है एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसको एज ए डायरेक्टली नहीं कर देना कि 3x स्क्वायर होगा, जैसे मैंने बताया एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल पूरी तरह से ऑन प्रोसेस आना होगा। 5x4 का आप देखिएगा तो 20x³ हो जाएगा, एज ए प्रोसेस फर्स्ट प्रिंसिपल से लाना है। साइन 4x को 4 इंटू कॉस 4x आ जाएगा, इसी तरह से हम लोग जाएंगे 8x एक्स के पावर 8 एक्स के पावर क्यू, तो बारी बारी से एक्स 8 का अलग से निकालेंगे एक्स 3 का अलग से निकालेंगे और फिर इसकी वैल्यू को हम लोग रखेंगे एज एड फॉर्म में, तो आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। रूट एक्स के सेंस में करिएगा तो इसी तरह से आ जाएगा। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये असाइनमेंट है या क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे ब्लॉग पर जाकर कमेंट लाइक सब कुछ करें। जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। बिया गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म लेकर आया है, यहाँ तक कि ये 11th और 12th के बच्चे नहीं बल्कि जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ऐसे मेडिकल इंजीनियरिंग एनडीए वैसे बच्चे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं अब अगले वीडियो में आप लोग को इसके रेस्ट जो डिफरेंशियल फंक्शन है मैं लेकर आऊंगा, आप जरूर से जरूर वीडियो देखें। इसी के साथ मेनी मेनी थैंक्स।
गुड लक टू यू।